नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। जुड़ते हैं ट्विटर की बड़ी खबरों से। ट्विटर पर घमासान, अन्वेषक शिक्षण है परेशान। मोदी जी योगी दी जल्द करो निदान, समस्या का अब तक नहीं हुआ निदान। साथियों, इस समय घमासान मचा हुआ है ट्विटर। मोदी से मन की बात में ट्वीट किया है जीतू सिंह नाहर जी ने। अन्वेषक पिछले 8 साल से भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन 2013 से 2021 तक मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, मात्र 7,000 रुपये मानदेय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि असंभव है। सरकार से विनती है कि हम अंधविश्वासों का नियमितीकरण करें और शोषण से मुक्ति दें। साथियों, ये ट्वीट किया है और इनको रीट्वीट किया है अनिल कुमार जी ने। और मेरा निवेदन है, आज मन की बात में मोदी जी को सभी लोग ट्वीट करें, सभी शिक्षण अनुदेशक भाई ट्वीट करेंगे तभी हमारी बात। एक और ट्वीट यहाँ पर लेते हैं, ये हमारे ग्रुप से है। और प्रणाम सर, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में जूनियर स्कूल में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों शिक्षक का जो कि 2013 से अब तक मात्र 7,000 रुपये अल्प दयनीय मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उनको इतना अल्प मानदेय प्राप्त हो रहा है जिससे उनके परिवार का परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हुए अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। अतः आपसे निवेदन है, उचित निर्णय लें। अगला ट्वीट हम लेते हैं आदित्य सिंह का, जिन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश बीजेपी जी को नमस्कार। सर, अंशकालिक अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय 17,000 रुपये बढ़वाएं और अनुदेशकों को नियमित करें। ये ट्वीट किया है हमारे भाई आदित्य सिंह ने, जिसे रीट्वीट किया है अनिल कुमार जी ने। साथियों, और आगे का एक और ट्वीट हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, हरिओम प्रजापति जी हैं। संविदा कर्मियों का मानदेय 8,000 से 10,000 रुपये है, दिवाली बोनस इन्हें आवश्यक है या 70,000 वेतन पाने वालों को, थोड़ा विचार करें। और इनको लाइक किया है माया देवी, अन्वेषिका हैं ये, और इन्होंने ये ट्वीट किया है। और योगी आदित्यनाथ जी, राजूदास, अयोध्या, डॉक्टर द्विवेदी, सतीश जी, ऑफिस ABCD, खेम सिंह आदि को इन्होंने ट्वीट हैशटैग लगा के उन तक बात पहुंचाई है। आगे एक और ट्वीट लेते हैं आशुतोष मिश्रा जी का, माननीय जी आपके एक आदेश से सबकी राजनीति रखी रह जाएगी और लाखों करोड़ों परिवार आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हैशटैग अन्वेषक और शिक्षा मित्रों का उन्हीं के पदों पर समायोजन कर हमें भी आपका समर्थन करने का मौका दे। आशुतोष मिश्रा जी ने किया है और इनको रीट्वीट किया है बहन माया देवी ने, जो कि अन्वेषिका हैं। साथियों, आप भी रीट्वीट इन सभी को कर सकते हो, अपनी बात पहुँचा सकते हो। आज मन की बात में ज़्यादा से ज़्यादा अन्वेषक शिक्षा मित्र अपना ट्वीट करें, रीट्वीट करें और अपनी बात, मन की बात सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि यही निर्णायक समय है अन्वेषकों के जीवन का। जैसा कि आप देख रहे हैं, अन्वेषकों को 2019 तक नियमित करने का आश्वासन दिया था CM योगी आदित्यनाथ, बोले मानदेय संबंधी मामलों पर भी लेंगे निर्णय। लेकिन साथियों, आज कई वर्षें बीत गई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ट्वीट और लेना चाहूँगा यहाँ, जितेंद्र कुमार यादव जी का, यूपी अन्वेषक #UPअन्वेषक मानदेय #UPअन्वेषक शोषण #UPअन्वेषक भुखमरी के कगार पर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अन्वेषक मानदेय घट गया। इन्होंने अपना दुख, अपना रोष, अपना कष्ट ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की है सरकार तक। आप सभी, आज रविवार का दिन है, आप सभी लोग ट्वीट कीजिए, मन की बात कीजिए। एक और ट्वीट यहाँ पर लेना चाहूँगा, ये माया देवी लाइक किया है गणतंत्र #, प्रशिक्षित अनुदेशक शिक्षक हैं हम सबकी बात बताए कौन, सुनते रहते हैं मन की बात, समस्या को सुन रहा है कौन, लोकतंत्र में सिसक रहे हैं गणतंत्र बतलाए कौन। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से PM इंडिया और MyGOV इंडिया, नरेंद्र मोदी जी #AIR न्यूज़,
के लिए अलर्ट के लिए ट्वीट किया है। एक और न्यूज़ बताना चाहूँगा, महंत राजूदास जी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या धाम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सरकार से शिक्षा मंत्रों के लिए और माननीय गृह मंत्री के लिए ये लेटर भेजा है लिखकर, जिसमें आपने समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की है। और लेकिन थोड़ा कष्ट है कि यहाँ पर अन्वेषकों का कोई भी नाम नहीं दिया है। अब चलते हैं हम एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ जो कि अन्वेषिका बहन से संबंधित है। ये हाल है योगी सरकार में महिला अन्वेषकों का ऐसा गुजारा करना पड़ रहा है और हमारे मंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। सुनील कुमार प्रजापति जी हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में कार्यरत आपकी बहुत ही कृपा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में कार्यरत अनुदेशिका अंजलि गुप्ता जी ने अपने आजीविका के लिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वेज कॉर्नर लगाया है, जिससे कि इनके बच्चों का और इनका भरण पोषण हो सके। इनका कॉर्नर का नाम है बाके बिहारी वेज कॉर्नर। आप देख सकते हैं एक महिला त्रस्त होकर परिवार चलाने के लिए बीच मार्केट में इन्होंने अपना शिक्षक की भूमिका निभाते हुए भी भरण पोषण के लिए इन्होंने एक अपना अलग सा व्यवसाय बनाया है। इनकी हमें उम्मीद है कि इनकी दुखों को सरकार जरूर सुनेगी और इनकी समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद साथियों, आपने देखा किस तरह से हमारी बहन और हमारे कई भाई अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। अगर वो इससे अलग हटकर कुछ अन्य कार्य ना करें, पार्ट टाइम काम ना करें स्कूल के बाद, तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, सभी अन्वेषक प्रशिक्षित हैं, टैलेंटेड हैं और अपने अपने टैलेंट के माध्यम से, अपने अपने हुनर के माध्यम से, हिम्मत और हौसले और जुनून के माध्यम से अपने परिवार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 28 अक्टूबर को होने वाले धरना की सफलता को लेकर बनी रणनीति, ये धरना 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है और इसमें पूरा समाचार है 21 सूत्रीय मांगों को लेकर। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर मंच के बैनर तले 28 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ दमदारी से हिस्सा लेगा, जो कि शुक्रवार को होगा साथियों। और हमारे समस्त अन्वेषक भाई बहनों की तरफ से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। किस सूत्रीय मांगों में हमारे भी पॉइंट्स को क्लियर करिए और हमारे हक और अधिकार को दिलाने के लिए आप और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे साथियों। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।